हेलो गाइस, कैसे हैं? आज हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, इसका हम लोग आज बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, आप देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, ये सारे चीज देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा। आइए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए, जब कांस्टेंट का पावर क्या हो, वेरिएबल हो, तो वो क्या होता है जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जैसे 2k पावर x, 1/2k पावर s, 5x, तो ये क्या है आपका, कांस्टेंट है। ये क्या है आपका, वेरिएबल है। या e k पावर x, ये सारे क्या हैं, ये क्या है, ये सारे आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम बोलते क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, जैसे ए के पावर एक्स लिखा है, तो इस एक्स को बोलते हैं एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, इंडेक्स या पावर। समझ में आया ना? अच्छा, ये जो ई है, ए को क्या बोलेंगे, तो बेस। और ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब देखिए, इसका हम लोग थोड़ा सा डोमेन और रेंज की भी बात करेंगे, और इसका ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, तो देखिए, इसका जो बेस होता है आपका, बेस ये कभी निगेटिव और वन नहीं होता है, कभी निगेटिव और वन नहीं होता है। ए से बड़ा होता है या ए नॉट इज इक्वल टू वन, समझ में आया ना, कभी निगेटिव वन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर वन रहेगा, ये बेस अगर वन के पावर एक्स रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, जो कि कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा। और जब ये कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा, नहीं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा, इसलिए इसका बेस कभी भी वन नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, y = 2k पावर x। क्या है y = 2k पावर x? इसकी अगर डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें, तो देखिए डोमेन क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए 2k पावर x है, तो 2k पावर x है, तो अगर हम x के जगह पे कोई भी रियल नंबर रखते हैं, जैसे 0 रखते हैं, अगर हम मान लीजिए 2k पावर 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आएगा ना, 2k पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, 0 के पावर -2 कितना होगा, 0 के पावर -2 1/0 का स्क्वायर यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का पावर 0 क्या होगा, तो ये इन्फिनिटी क्यों होगा, ये देखो बाबू, 0 वाला बोलता है पावर वाला कि हमको 1 बना दो, और ये बेस वाला 0 बोलता है कि हमको क्या बना दो, 0 बना दो। ठीक है, तो इसलिए दोनों में क्या होता है, लफड़ा हो गया, और लफड़ा होने के बाद दोनों में मिलाकर एक क्या बना दिया गया है, इन्फिनिटी फंक्शन। यानी कि कभी भी 0 के पावर 0 हो तो क्या हो, जैसे कि मान लीजिए 2k पावर 0 हो गया, तो 1 हो गया। अगर 2k पावर रखते हैं 1, तो 2 हो जाएगा। 2k पावर 2 रखते हैं, तो 4 हो जाएगा। 2k पावर 3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हो जाएगा ना, इसी तरह माइनस लेते हैं, 2k पावर -1 रखेंगे, तो 1/2 हो जाएगा। 2k पावर -2 रखेंगे, तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे रखते जाएंगे, कहाँ तक रखेंगे, इसको जाते हैं, मान लीजिए हम 2k पावर -∞ रख दिए, तो 2k पावर -∞ रख दिए, तब आंसर क्या आएगा, तो 2k पावर -∞ रख दिए, यानी कि 1/2k पावर∞, और 1/2k पावर∞ का मतलब हो गया 0। मान लेंगे यहाँ पे 0 0, क्योंकि मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखा जाए 1/0 0 0, इसका मतलब हो जाएगा 0.0001। यानी कि ये किसके नजदीक है, ये आप कहिएगा, ये 0, देखिए ये किसके नजदीक, 0.001, ये 1 0 के करीब है, किसके करीब है, 0, इसलिए इसका समीकरण क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब तो देखिए इसका एक तो इसका डोमेन क्या होगा, देखिए मतलब हम x का मान -∞ से +∞ के तरफ रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे, -∞ के +∞ के बीच, तो मेरा क्या आएगा, जो भी हम मान लीजिए x को डोमेन, x का मान -∞ से +∞ रखेंगे, तो मेरा जो रेंज होगा वो 0 से लेकर कहाँ तक आ जाएगा, इन्फिनिटिव तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी 2k पावर ∞ = ∞ भी होता है, 2k पावर ∞ = ∞ भी होता है। ठीक है, चलिए अब तो देखिए, तो यानी कि मेरा डोमेन ऑफ एक मतलब फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से ∞ तक, और रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेकर ∞ तक। अब हम आइए थोड़ा सा इसको हम ग्राफ भी देख लेते हैं, ग्राफ क्या होता है। ठीक है,
y बराबर 2 के पावर x का ग्राफ खींचना है, 2 के पावर x का, देखिए x x एक्सिस y y एक्सिस 0, इसका डोमेन क्या था, डोमेन बोलिएगा, डोमेन ऑफ f माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, और डोमेन ऑफ रेंज कितना था, रेंज तो 0 से इंफिनिटी तक, ठीक है। तो देखिए अगर आप x का जो ग्राफ होगा इसमें माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, यानी कि ये जो इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी, माने x का जो ग्राफ आएगा यहाँ आएगा, x का मान 0 और 1, यानी कि ये जो ऐसे बढ़ेगा इसका ग्राफ कैसे होगा, इस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से होगा ग्राफ, यानी कि इंक्रीजिंग होगा, यानी कि y बराबर ये 2 के पावर x का क्या हुआ, ये ग्राफ हुआ, समझ में आया ना, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ग्राफ हुआ। अब देखिए तो अब हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, तो आइए हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन देखें। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन में सबसे पहले हम लोग रीड कर रहे हैं, यानी कि ये जो लॉग लिखा रहता है लॉग ई एक्स, इसको कैसे पढ़ते हैं, तो देखिए पढ़ते हैं लॉग एक्स टू द बेस ई, टू द बेस ई, यानी कि ई रहेगा तो ई, या फिर ऐसा लिखा रहेगा लॉग फाइव टू, तो लॉग फाइव टू द बेस टू, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा लॉग ए फाइव, मैंने लॉग फाइव टू द बेस ए, ठीक ना, ये हुआ आपका पढ़ने का तरीका। अब हम लोग जानेंगे कि लॉग जो होता है, देखिए एक होता है लॉग ई एक्स, लॉग ई एक्स या इसको शॉर्ट में एल एन एक्स बोला जाता है, तो इस टाइप को बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉग, क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। अगर किसी का बेस 10 हो, लॉग में अगर बेस 10 हो तो उसको बोला जाता है कॉमन लॉग, ठीक ना, क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। चलिए अब देखिए ये जो e लिखा रहता है, इस e को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पाई का मान होता है 3.1415, वैसे ही e का मान भी होता है 2.718, ठीक है, और इस e को इरेशनल नंबर या आइलर कांस्टेंट या न्यूप्रियन कांस्टेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आइलर कांस्टेंट या न्यूप्रियन कांस्टेंट बोला जाता है। e बराबर आपका आइलर ने एक फार्मूला साबित किया, e बराबर 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल इन्फेनाइट तक, ये आइलर वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, ठीक है। अब देखिए देखिए एक चीज़ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉग जो होता है हमेशा आउटपुट में या आउटपुट में क्या क्या दे सकता है, निगेटिव में आंसर दे सकता है, पॉजिटिव में देता है, और जीरो, यानी कि माइनस में भी आंसर आता है, प्लस में भी आता है, और जीरो भी आता है। लेकिन इसका जो इसका इनपुट अगर बात करें इनपुट का, तो ये इनपुट हमेशा पॉजिटिव लेता है, ये माइनस में कभी होता है नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन ये लिखा है लॉग टू माइनस फोर, तो लॉग टू माइनस फोर इसका कोई नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड का मतलब इसका ये कभी इसका एक्स जो होगा ना माइनस में इसका नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज बताते हैं, देखिए अब हम लॉग कब कब लेते हैं, लॉग हम लोग कब लेते हैं, कब कब लेते हैं, तो लॉग वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, ठीक है, या कॉन्स्टेंट के पावर वेरिएबल हो, या फंक्शन के पावर फंक्शन हो, समझ में आया ना, वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, कॉन्स्टेंट के पावर वेरिएबल हो, या फंक्शन के पावर फंक्शन हो, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेकर बनाते हैं। लॉग ए के पावर एक्स स्क्वायर टू वाई, तो अगर हमें लॉग हटाना हो तो लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि ये बेस वाला पावर में, पावर वाला बेस में, यानी कि ये हो जाएगा ए के पावर वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, के पावर वाई इक्वल टू एक्स। लॉग वन का मान, लॉग वन का मान जीरो होता है, लॉग टेन का मान वन होता है, लॉग टेन का मान वन होता है, ठीक है, लॉग एम एन, यानी कि लॉग एम इंटू ए, तो होता है इसका फॉर्मूला लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम बटा एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम के पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एन लॉग एम, यानी कि पावर वाला इधर आ जाता है और इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है।
तो ये रहे आपके कुछ फॉर्मूले जो कि काम कर मतलब यूज में आते हैं। और एक और चीज होता है इसमें, लॉग ई बराबर वन होता है, यानी कि जब बेस और पावर दोनों इक्वल हो तभी वन होता है, समझ में है ना। तो ये रहा फॉर्मूला, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 का। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।